हो सकता है कि आपको एनल सेक्स अच्छा लगता हो और आपकी पत्नी मना कर रही है, तो फिर क्या करें? इसके लिए कुछ बातें मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, सेक्स में ओरल रहता है, वजाइनल रहता है और एनल रहता है। ये तीनों भी प्रकार के सेक्स लोग करते रहते हैं अपने पत्नी के साथ में या लड़की के साथ में। अब क्या है कि बहुत लोगों को, अभी स्पेशली जवान जो लड़के लड़कियां हैं ना, उनको एनल सेक्स में मजा आता है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एनल सेक्स। और उसके कारण भी है कि भाई एनल सेक्स क्यों, तो फिर आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जब आप एनल सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि गुदद्वार जो है, एनल सेक्स मतलब गुदद्वार के माध्यम से सेक्स करना, तो गुदद्वार बड़ा नहीं हो सकता। जैसा योनि बड़ी होती है उसमें लचीलापन होता है, गुदद्वार बड़ा नहीं होता है। गुदद्वार सख्त होता है, गुदद्वार में चिकनापन नहीं होता है, तो फिर लिंग का गुदद्वार में प्रवेश होना तकलीफदेह हो सकता है। तो इसलिए फिर जब आप एनल सेक्स करते हैं तो लूप्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। जितना ज़्यादा लूप्स वापरेंगे उतना अच्छा है। और स्पेशली यदि एनेस्थेटाइज्ड लूप यदि वापरते आप तो बहुत ही अच्छा है, ताकि दर्द नहीं होगा। क्या होता है कि एनल सेक्स में गुदद्वार फटने का डर होता है यदि जोर से इंसर्ट किया तो, और फिर उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए आप यदि सेक्स करने के समय एनेस्थेटिक कंडोम्स या एनेस्थेटिक जेल्स वापरते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ताकि उनको तकलीफ भी नहीं होगी। लोग एनल सेक्स मतलब गुदद्वार के माध्यम से सेक्स करना कब पसंद करते हैं, स्पेशली जब पीरियड्स है तब, या फिर प्रेगनेंसी है, गर्भधारण हुई है, गर्भ को तकलीफ हो जाएंगी, इसलिए फिर उस समय एनल सेक्स करते हैं। और कुछ लोगों को उसमें मजा आता है, एक चेंज करके एनल सेक्स करते हैं। एनल सेक्स करने के समय कंडोम का वापर करना जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी एनल सेक्स करने के बाद में यदि आपको वजाइनल सेक्स करना है, मतलब योनि द्वारा सेक्स करना है, तो डेफिनेटली वो कंडोम फिर से वापरने का नहीं है, वो कंडोम फेंकने का और दूसरा कंडोम का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यदि आप ओरल और वजाइनल सेक्स में नाकामयाब हो, मतलब वो जमता नहीं है, ओरल भी जमता नहीं है, वजाइनल भी जमता नहीं है, तो फिर सवाल ही नहीं आता कि एनल आपको जमेगा, तो फिर उसमें जाने का नहीं है, क्योंकि उसमें सक्सेसफुल है तो ही इसमें सक्सेसफुल आप होंगे। अब ये सब जानने के बाद में आपको लगेगा कि भाई आपको अच्छा लगता है, पत्नी को अच्छा लगता नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उसका यही है कि भाई आप पत्नी के साथ में बातचीत करो, उसको कोई वीडियोस बताओ, फिर उससे उसके साथ में रोमांटिक बातें करो, और उसका कोई एक्सपीरियंस यदि पहला आया हो आपके साथ में कि भाई एनल की और तकलीफ हुई, तो उसको ये बताओ कि भाई हम कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थेटिक जेल का इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, तो फिर वो शायद मान जाएंगे। एक नयापन लाने के लिए भी लोग एनल सेक्स करते हैं। ये सब आप करते तो डेफिनेटली आपकी पत्नी या आपकी पार्टनर एनल सेक्स के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं कहना है कि एनल सेक्स आप करो। लोग एनल सेक्स के बारे में काफ़ी सारे सवाल करते रहते हैं कि एनल सेक्स करना कि नहीं करना, अच्छा है कि नहीं है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है, तो इसलिए मैंने ये आपको बातें बताई। अदरवाइज एनल सेक्स वैसा नॉर्मल नहीं है, लोग एक चेंज करके करते रहते हैं। कॉमन जो बहुत ही पॉपुलर है वो है वजाइनल सेक्स और ओरल सेक्स। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।